हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पूरी स्टडी में। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ बेसिक बातें, जैसे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। उसके बाद में जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो इसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे आज का पहला वीडियो में। इसके बाद में जो है टाइप बाई टाइप जितना भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से क्वेश्चन बनेगा सभी को सोल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद में जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। उसके बाद में जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी दो चर बोला है तो उसमें जो है समीकरण में दो चर होना चाहिए। आइए देखते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इस रूप का जब भी होगा तो उसे हम बोलेंगे दो चर, यानी एक एक्स और एक वाई, एक और एक कितना हो गया दो, यानी दो चर है इसीलिए इसे बोला जाएगा दो चर। उसके बाद में है रैखिक समीकरण, तो किसी भी समीकरण का मान घात यदि एक हो, यानी एक्स का घात कितना है पावर एक है, वाई का पावर कितना है अधिक से अधिक एक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। यानी किसी भी समीकरण का पावर जो है एक हो तो उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो इसमें दो चर हो गया, उसके बाद में इसका घात यानी पावर एक है तो इसीलिए इसे बोलते हैं दो चर में रैखिक समीकरण, या फिर लिखा रहेगा, ये तो मानक रूप हो गया ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर लिखा रहेगा सात एक्स प्लस छ वाई इस रूप का रहेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे दो चर में रैखिक समीकरण, या फिर लिखा रहेगा एक्स प्लस 2y इस रूप का भी रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। उसके बाद में आइए दूसरा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी मानक रूप क्या होता है। इसमें भी दो चर होना चाहिए, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो, ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप। x और y मिलके दो चर हो गया, उसके बाद में इसका पावर कितना है एक है तो इसीलिए इसे बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होगा तो उसे बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप। आइए ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि लिखा है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू बराबर जीरो, इसे क्या बोलेंगे दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप इसे बोलेंगे, और इसे बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, या फिर लिखा रहेगा x प्लस वाई प्लस दो बराबर जीरो, इसे भी क्या बोलेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। अब ये तीसरा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होगा, यानी इसमें युग्म बोला है तो इसमें क्या होगा दो समीकरण होना चाहिए, ऐसे ऐसे जो है दो समीकरण होना चाहिए। आइए देखते हैं, पहला होना चाहिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ये समीकरण क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, समीकरण कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। ये क्या हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें युग्म बोला है यानी इसमें दो समीकरण होना चाहिए, एक होना चाहिए वन वाला और दूसरा होना चाहिए टू वाला। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई के रूप का होगा तो उसे बोलेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। दूसरा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये मानक रूप हो गया। उसके बाद में है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, तो इसमें क्या होना चाहिए दो समीकरण होना चाहिए, एक वन वाला और दूसरा टू वाला। आइए देखते हैं, इसको जो है पहले ही हम बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि जो है वीडियो लंबा ना हो, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्थिति, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म का स्थिति सबसे पहले ऐसे होगा तो उसका हल क्या होगा। उसके बाद में जानेंगे इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्थिति है, यानी ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर न हो तो उसका जो है हल क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा, यानी
एक हल होगा। जब भी इस तरह का जो है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का जब भी स्थिति ऐसे आएगा यानी u1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो उसका हल जो होता है अद्वितीय हल होता है यानी एक हल होता है। उसका ग्राफीय निरूपण भी पूछ लेता है, तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होगा यानी दो रेखा होगा जो अपने आप को क्या करेगा, काटेगा। इसे हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या फिर बोल सकते हैं अविरोधी रेखा। ध्यान रखिएगा ये विरोध कर रहा है यानी एक दूसरे को काट रहा है, तो इसका नाम क्या है, अविरोधी। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में इसका तीसरा नाम है संगत, यानी जिसका हल होता है एक हल हो या फिर अनेक हल हो उसे हम बोलते हैं संगत। तो इसका ग्राफीय निरूपण में एक है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा है अविरोधी और तीसरा है संगत। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा है जब भी समीकरण जो होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर होगा लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका जो होता है कोई हल नहीं होगा यानी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का जब भी ऐसा स्थिति आएगा तो उसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा यानी एक भी हल नहीं होगा। उसका ग्राफीय निरूपण पूछता है तो उसका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। उसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, समांतर। जिसका कोई हल नहीं होता है उसका ग्राफीय निरूपण समांतर होता है या फिर हम इसे बोल सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है इसीलिए इसे बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा या फिर बोलेंगे विरोधी। देखिए यहाँ पे ये विरोध नहीं कर रहा है फिर भी इसका नाम क्या है, विरोधी रेखा नाम है। उसके बाद में इसे समांतर भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद में असंगत, तो इसका जो है इतना नाम है। इस सभी को आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में जो है बदल बदल के दे देता है जो आपसे नहीं बन पाता है, तो इसको आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि अप्रतिच्छेदी रेखा होगा या फिर विरोधी रेखा होगा या फिर समांतर होगा या फिर असंगत होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा है जब भी कोई समीकरण a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर होगा यानी सभी जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो उसका जो है हल होता है अनेक हल होता है यानी अनगिनत उसका हल होता है। जब भी ऐसे रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो उसका जो हल होता है अनेक हल होता है। आइए ग्राफीय निरूपण देखते हैं, तो ग्राफीय निरूपण जो है आश्रित रेखाएं होता है यानी एक रेखा पर जो है दूसरी रेखा आ जाता है। अब देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा है और एक छोटा रेखा है यानी एक वाला छोटा है, तो एक क्या हुआ है, इस पे आ गया है यानी आश्रित हो गया है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे आश्रित रेखा या फिर इसी का दूसरा नाम है संपाति या फिर इसी का तीसरा नाम है संगत। तो इस सब को आपको ध्यान में रखना होगा। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका जो भी एग्जाम होगा एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।